और इसी बीच एक और बड़ी खबर लखनऊ से, फिल्म सिटी को लेकर आज बैठक, बिड डॉक्यूमेंट और कंसेशन एग्रीमेंट को लेकर होगी बैठक। मंजूरी मिलने के बाद निकाला जाएगा टेंडर, विकासकर्ता के चयन करने के लिए निकाला जाएगा टेंडर। आपको बता दें कि फिल्म सिटी के बिड डॉक्यूमेंट और कंसेशन एग्रीमेंट को लेकर आज लखनऊ में बैठक होगी। इस पर मंजूरी मिलने के बाद फिल्म सिटी के विकासकर्ता का चयन करने के लिए टेंडर निकाला जाएगा। टेंडर के जरिए विकासकर्ता कंपनी का चयन किया जाएगा। फिल्म सिटी को डिजाइन, बिल्ड और फाइनेंस, ऑपरेट, ट्रांसफर आधार पर विकसित किया जाएगा। फिल्म सिटी की डीपीआर और निविदा एवं कंसेशन एग्रीमेंट को कोल्डवेल, बैंकर्स रिजर्व, एलिस और साथ ही सीबीआरई साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड से तैयार कराया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी परियोजना फिल्म सिटी को वैश्विक स्तर की सुविधाओं से लैस करने की योजना है, इसलिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने से पहले दुनिया भर की फिल्म सिटी का बारीकी से अध्ययन करने के बाद उनकी खूबियों को इसमें शामिल किया गया है। एक ही जगह पर फिल्म निर्माण की प्री से लेकर पोस्ट प्रोडक्शन की सभी सुविधाएं निर्माताओं को मिलेगी। इसे 1000 एकड़ में 3 चरण में विकसित करने की योजना है। इसके 75% हिस्से में फिल्म निर्माण से जुड़ी गतिविधियां होंगी, शेष 5% पर फिल्म इंस्ट्रूमेंट्स और साथ ही 15% में एम्यूमेंट पार्क और साथ ही हॉस्पिटैलिटी, कमर्शियल सर्विस, रेजिडेंस और ऑफिस आदि होंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजकुमार चौधरी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजकुमार जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी योजना फिल्म सिटी का निर्माण अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, लोगों के लिए भी और सरकार के लिए भी। इसके लिए अब जो कंपनी इसका विकास करेगी उसको लेकर चयन किया जाना है, क्या कुछ जानकारी है? निश्चित तौर पर पूजा बहुत अहम हो जाता है जनपद गौतम बुद्ध नगर, क्योंकि उत्तर प्रदेश की शो विंडो भी माना जाता है और बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ है। जेवर एयरपोर्ट के बगल में जगह निर्धारित कर दी गई है, उसके लिए प्लानिंग तैयार हो गई है और अलग से एक ऑटोनोमस बॉडी इसके लिए बना दी गई है ताकि इसका समय से निर्माण हो सके। लेकिन क्योंकि उसको बहुत बेहतर तरीके से स्थापित करना है, इसके लिए विशेषज्ञों की एक टीम की आवश्यकता है और इसके प्रयास किए जा रहे हैं। आज जो ये बैठक है, जिसके जो आपका मूल सवाल है, वो मूल सवाल के उसको अगर उसकी बात करें तो आज ये अहम बैठक इस बात को लेकर चर्चा करेगी, क्योंकि 10 कंपनियां ऐसी हैं कि जिन्होंने अभी तक अपनी बिड डाली है और वो आगे आई हैं कि वो फिल्म निर्माण के लिए जो फिल्म सिटी है उसका पूरा ब्लू प्रिंट तैयार करके देंगी, उसी हिसाब से आगे डेवलपमेंट होगा। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इसमें सरकार किसको आगे रखती है। बिल्कुल राजकुमार जी, अगर खबरों के अनुसार देखा जाए तो ये फिल्म सिटी जिसका निर्माण किया जा रहा है, ये अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि सरकार की ओर से ये कोशिश की गई है तमाम जो देश है उनको देखते हुए कि हर सुविधा जो फिल्म निर्माता है उनको इस फिल्म सिटी में मिल सके। तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या कुछ खासियत होगी इस फिल्म सिटी में, लोगों को क्या कुछ लाभ मिलेगा और साथ ही जो डायरेक्टर है, जो फिल्म निर्माता है, उनको क्या कुछ लाभ मिल सकता है इसके जरिए? सवाल है, क्योंकि अभी तक अगर बात करें तो पूरे हिंदुस्तान में केवल बॉम्बे ही ऐसी जगह है कि जहाँ पे जो फिल्मों के निर्माण के लिए स्टूडियो का चयन हुआ है। ऐसा नहीं, गौतम बुद्ध नगर में जब नोएडा की स्थापना 1976 में की गई तो यहाँ पर भी एक फिल्म सिटी बनाई गई सेक्टर 16A में, लेकिन उस समय जानकारी इतनी नहीं थी जितनी आवश्यकता थी। केवल जो सबसे बड़ा प्लॉट है उसकी जो अगर उसकी बात करें क्षेत्रफल की, तो 2000 मीटर का प्लॉट है और 2000 मीटर के प्लॉट में कभी भी फिल्मों का निर्माण करने की संभावना नहीं बन सकती। लेकिन उस हिसाब से अब सारी चीजों को जो पुराने जो जर्क हैं उनको निपटाते हुए इसको एक पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है ताकि फिल्म सिटी के अंदर अगर किसी को आउटडोर अगर शूटिंग करनी है तो उसकी भी व्यवस्था हो। उसके अलावा 5-स्टार होटल्स, क्योंकि जब फिल्मों से जुड़े हुए लोग आते हैं और बाहर से, क्योंकि इसको केवल बॉलीवुड नहीं हॉलीवुड की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण देखा जा रहा है, इसीलिए एयरपोर्ट के बिल्कुल बगल में इसको बनाया जा रहा है। तो बहुत आने वाले समय में क्या इसके ब्लूप्रिंट निकल के आते हैं, हालांकि एक ही कहीं ना कहीं इस फिल्म सिटी का निर्माण उत्तर प्रदेश के विकास के लिए काफी ज्यादा अहम है और जब इसका निर्माण होगा ये फिल्म निर्माताओं को और दर्शकों को काफी ज्यादा लाभ भी पहुंचाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।